देश भर में जहां एनआरसी और नागरिकता संशोधन बिल पर हड़कंप मचा हुआ है, जहां सिक्किम के सड़कों से लेकर उत्तर प्रदेश के जामिया कॉलेज तक कॉलेज छात्राओं द्वारा नागरिकता संशोधन अमेंडमेंट बिल पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां पुलिस द्वारा लाठीचार्ज और गैस के गोले भी छोड़े जा रहे हैं प्रदर्शनकारियों पर। वह इस प्रदर्शन की हवा उत्तर भारत से पूर्वी भारत तक पहुँच गयी है। जी हाँ, मैं मुंबई की बात कर रहा हूँ, जहाँ कांदिवली के दामोनगर में स्थानीय रहवासियों और गोविंदा हेल्प सेवा संस्था द्वारा नागरिकता संशोधन बिल पर विरोध किया गया, जिसमें भारी संख्या में स्थानीय लोगों ने इस बिल का विरोध करते हुए कैबिनेट में बैठे सरकार के खिलाफ आवाज उठाई। जब फैक्ट टुडे के संवाददाता मनीष महाराज ने विरोध प्रदर्शन कर रहे एनजीओ के संस्थापक गोविंदा से बात की तो उनका क्या कहना था, ये जानते हैं। हिंदू मुसलमान पर हमारे का काम ये बीजेपी सरकार कर रही है। अमित शाह साहब, आप जाके देखो बॉर्डर पे कोई मुसलमान सैनिक आकर खड़ा होगा, वो भी अपने बच्चे अपने परिवार को छोड़ के उस बॉर्डर पे खड़ा होगा, क्योंकि हिंदुस्तान उसका है करके। हिंदुस्तान हम सबका है, हम सब रहवासियों का है, हम सभी जात के प्रांत के लोगों का है। हिंदुस्तान में जात पात की राजनीति मत कीजिए। ये जो आपने सी ए बी एनआरसी बिल निकाला है, ये लोगों को धोखेदायक है, इसका विरोध हम करते हैं। हिंदुस्तान के अंदर जात पात, आज हमारे यहाँ पर अगर जरूरत है तो रेप की इतनी दुर्घटना हो रही है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए बिल बनाना चाहिए और ये बना रहे एनआरसी कैप। अब हमें इस देश में रहने का सबूत देना पड़ रहा है, तो आप कितना भी हमारे खिलाफ कानून बना लो, सब जुआ है, आसमान तोड़ी है, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान तोड़ी है। और आप सभी को इस बिल का पुरजोर विरोध करना चाहिए। एनआरसी कैप ये बिल क्या है, ये सभी आर्टिकल 14 का उल्लंघन कर रहे, किसी भी जात धर्म भेद लिंग से भेदभाव नहीं कर सकते। बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में आप छेड़छाड़ कर रहे, बदलाव कर रहे, ये हम होने नहीं देंगे। हम इस बिल का विरोध करते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर संस्थापक गोविंदा, यहाँ पे मुसलमानों या फिर जनजात के लोग हैं, उनके साथ कैब के विरुद्ध प्रदर्शन करें, जिसमें कैब के उसको जलाकर यहाँ पे प्रदर्शन किया गया और ये प्रदर्शन काफी शांतिपूर्वक रहा। और इस प्रदर्शन का जो मुख्य बोल सकते हैं उदाहरण बोल सकते हैं, उसको किस तरीके से आपने कैब के जो कैब पहली बार तो मैं ये कहूँगा, जो इन्होंने बिल लाया इसमें से पता चलता है कि इनके दिल में मुसलमान के लोगों में कितनी मोहब्बत है और कितना प्यार है। ये देश के अंदर जिन्होंने विकास के नाम पर लोगों का वोट मांगने की कोशिश की थी कि हम लोगों के अच्छे दिन लाएंगे, लोग खुश रहेंगे, लोगों के अफवाह के 15 लाख आएंगे, बेरोजगारी बढ़ेगी, बेरोजगार मिलेगा लोगों को, किसान खुश होंगे, लेकिन आप देख रहे हैं लोग, जनता 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 पब्लिक है, सब जानती है, इन्होंने देखा है, इन्होंने इसमें से कोई चीज लोगों के भलाई के लिए नहीं किया, लोगों को नुकसान पहुंचाने का काम बीजेपी सरकार और अमित शाह और नरेंद्र मोदी साहब ने किया। आज ये बिल लाने का कारण क्या है, आप ये बताना चाहते हैं कि मुसलमान और हिंदू के दिल में मोहब्बत नहीं है? आप कौन है साबित करने वाले? आप कौन चाहते हैं कि मुसलमान और हिंदू के दिल में नफरत पैदा हो? मोदी साहब और अमित शाह जी
पब्लिक है, हिंदुस्तान की नागरिक है, ये देश के लोग अब जाग चुके हैं, अब इन्हें पता चल चुका है ये आपकी तोड़ फोड़ की राजनीति नहीं चलेगी। हर हिंदुस्तान का हर मुसलमान हर हिंदू ये सब जानता है कि आप तोड़ और जोड़ने की राजनीति करते हैं, लोगों को भड़काने का काम करते हैं। लेकिन आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि शहीदों के बॉर्डर पे मुसलमान शहीद नहीं हुआ है? क्या लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर नफरत फैलाने का काम आप कर रहे हैं? आप देखिए यहाँ पर हिंदुस्तान में सब लोग पेट और रोजगारी के लिए तड़प रहे हैं। आज कितनी महंगाई हो गई है, आज कितने तरुण युवा पीढ़ी रोजगार से लोग परेशान है। आज उन जाके उनको पूछो उनको क्या चाहिए, उनको ये सीए बिल और एनआरसी बिल नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए अच्छा हिंदुस्तान चाहिए, अमन और शांति का हिंदुस्तान चाहिए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान ये हमें चाहिए। बस इतना ही कहूंगा। और आप देख रहे हैं इस सब इस मोर्चे के अंदर इस एनआरसी के बिल के खिलाफ सब लोग धर्म के लोग इसका विरोध कर रहे हैं, इसके लिए क्योंकि ये देश हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान के लोग का है। भारत माता का जय बोलने का गर्व हमें महसूस होता है क्योंकि हम हिंदुस्तानी है। भारत माता का जय हम इसके लिए बोलते हैं कि हम हिंदुस्तानी है, हम इनकलाब से लड़ते हुए देश को हमारे महान पुरुषों ने आज़ाद किया। इसके लिए आप जात पात की राजनीति बंद की दी, अमित शाह और मोदी साहब बहुत हो चुका है, जनता अब जाग चुकी है। आपको महाराष्ट्र से तो इन्होंने निकाल दिया, आपको केंद्र से भी निकालने का काम ये बोली वाली जनता जरूर करके दिखाएगी। लेकिन शिवसेना भी इस अमेंडमेंट बिल का समर्थन करते नहीं पाएगी, लोकसभा में शिवसेना का कार्यरत है, लेकिन शिवसेना का कार्य यह नहीं है। शिवसेना सब जाति धर्मों को लेकर चलती है, शिवसेना के अंदर आमदार है, नगर सेवक बहुत सारे मुसलमानों के, सभी जाति को लेकर चलती है। आज आपको मालूम होगा कि जो नोटबंदी किया, नोटबंदी के अंदर इतने पब्लिक मर गए, उसका कोई सुनवाई नहीं है। नोटबंदी में इतने लोग बेकारी हो गए, जिसकी शादी टूट गई, किसी के घर पर ना तो उनको कुछ पड़ा नहीं। दूसरी बात, 270 जो कायदा इन्होंने हटाया, उसके ऊपर अभी कोई उसका कोई निवेदन नहीं, उसका कोई कामकाज नहीं, उसके ऊपर कोई मतलब कोई ढंग का वहाँ पर कोई ऐसा निवेदन नहीं है कि पब्लिक को 370 कलम तुमने हटाया, लेकिन उसके ऊपर कामकाज क्या कर रहे हो? उसके ऊपर कोई कामकाज नहीं है अभी तक। और इस तरीके से जो है, जो बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, जो इतनी ये हो गई है, इतनी बेकारी आ गई है, फिर भी इन लोगों को उसका कोई कुछ नहीं पड़ा है। ये खाली जनता को, भोली भाली जनता को चुतिया बनाना और अपना उल्लू सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। लेकिन जो आज वो उन्होंने जो बोला है, जो बाहर देश से जो हिंदू धर्म के लोग आएंगे उनको मिलेगा। उस तरीके से मुसलमानों को भी जो बाहर से आए हुए उनको भी मिलना चाहिए, उनको क्यों नहीं मिलना चाहिए, उसका कारण क्या है? तो ये जो राजनीति कर रहे हैं ये गलत है, तो ये राजनीति उन्होंने नहीं करना चाहिए। सब समभाव करके इस देश के अंदर सब हर देश का नागरिक, मुसलमान हो या हिंदू हो, देश के लिए लड़ा है, देश के लिए मरा है। और आज आपको मालूम होगा क्या, डॉक्टर अब्दुल साहब कलाम जो राष्ट्रपति देश के हो चुके हैं, आज उन्होंने देश को इतना ऊंचा लेके गया है कि आज देश पीछे पलट के देखने की स्थिति में नहीं, इतना अच्छा उन्होंने देश को बनाया और इतने बड़े बड़े सामग्री देश के लिए लड़ने के लिए उन्होंने बनाई, और इस तरीके से मुसलमानों की आहुति इस देश के अंदर लगी है, तो उनको भी नहीं भूलना चाहिए। जब आप हिंदू और उनको जो अगर सीनियर सिटी जीने का ये देते हो, उस तरीके से मुसलमानों को देना चाहिए, तो इस तरीके से ये लोग नहीं देते, तो उसके अंदर उसी के लिए आज जो भी आकार मचा है देश के अंदर, आज आपको देख आपको मालूम होगा महाराष्ट्र में कुछ नहीं है, लेकिन बाकी और राज्यों में और देशों में जाके देखिए, गाड़ी चलाए जा रहे हैं, ट्रेन चलाए जा रहे हैं, लोग अगर इतना अगर उसके अंदर कुछ गलत नहीं है तो लोग इतने रास्ते पे आए क्यों? आप ये चाहते हैं कि बाहर देशों से अलग मुसलमान आते हैं वो इंडिया में बसर करें? नहीं, उनको भी नहीं बसर करना चाहिए। इंडिया आखिर में भारत देश है, समिति इसमें देश है, तो इसको यहाँ पे उनको भी नहीं आने देना चाहिए। लेकिन जो आ चुके हैं वो तो भारत के नागरिक है, फिर उनको निकालने का 50 साल का प्रूफ मांगेगा तो कहाँ से ला के देंगे? आपने जो अभी सवाल पूछा कि
कि हम बाहर से आने को नागरिकता दे रहा है, हम उसका उसके पक्ष में नहीं है, समर्थन नहीं करते। हम आपको बताना चाहते हैं कि कैंप का मकसद क्या है। आपने NRC लागू किया आसाम में, 16,000 करोड़ रुपए खर्चा किया, क्या निकला उसमें? उसमें 19 लाख लोगों का नाम आया जिसमें 13 लाख हिंदू थे, बाकी मुसलमान थे। तो आप क्या करना चाहते हो? आपने कैंप क्यों लाया? अब कैंप के जरिए जो है हिंदू जो है आ जाएगा, पर मुझे पूरी जिंदगी निकल जाएगी कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं इस देश में पैदा हुआ था, मेरा बाप इस देश में पैदा हुआ था, मेरा दादा इस देश में पैदा हुआ था, ये मुझे जिंदगी निकल जाएगी बताने के लिए। तो आप क्या कर रहे हो? आप कैंप का मकसद क्या है? आपको सिर्फ हिंदू मुस्लिम डिवाइड करना है। हम बाहर वाले के पक्ष में नहीं है, पर हिंदुस्तान में जो है आप NRC लागू करोगे, हमारा रजिस्टर से नाम निकाल दोगे, हमें तो नहीं लोगे, बाकी तो आपको हिंदू को आपको ए भरना है, हमें ABCD भरना है, फिर भी हमारा नाम नहीं आ रहा है। आपको बता देता हूँ, आसाम में सनाउल्लाह खान, जिसने 30 साल भारतीय सेना में सर्विस दी है, राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है, ऐसे व्यक्ति का नाम अगर रजिस्टर से बाहर निकल जाए तो मैं तो कोई मामूली आदमी हूँ। तो अमित शाह जी को समझना चाहिए, उन्होंने देश के लिए लड़ा है। आप ऐसे व्यक्ति का नाम निकालते, आप देश के राष्ट्रपति के घर वालों का नाम नहीं आता है तो ये बहुत दुर्दैवी बात है। इनका मकसद एक ही है, मुसलमान को टारगेट करना और मुसलमान और हिंदू में जो है भेदभाव करना। धर्म के नाम पे आप भेदभाव नहीं कर सकते, आप आर्टिकल 14 का वायलेशन कर रहे हैं, ये संविधान के खिलाफ है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है उसमें आप आर्टिकल 14 में खुला लिखा हुआ है, जाति धर्म लिंग से आप किसी को भेदभाव नहीं करते। तो आप क्यों लाए ऐसे बिल? असंवैधानिक बिल लाए हैं, हम देश में बंटवारा करना चाहते हैं। आपको मानना होगा कि आपने ये पार्लियामेंट के अदालत में तो पास कर दिया, पर जनता की अदालत के हाथों पर पट्टी नहीं बंधी है। आपका हम पुरजोर विरोध करेंगे। अंग्रेजों के जिस तरह हमने लड़ा था, आज आप देख सकते हैं आसाम में हो गया, नॉर्थ साइड में कहीं भी हिंदू मुस्लिम क्यों लड़ रहे, हिंदू भी लड़ रहे, क्यों लड़ रहे? इसलिए लड़ रहे कि अपनी भाषा की रक्षा करना चाहते हैं। अपने आज मेरे साथ में जो रहता है गैर मुस्लिम, वो आज मेरे साथ 50 साल रहता है, मैं नहीं चाहता हूँ कि वो कहीं और जाए, और वो भी नहीं चाहता है कि मैं हिंदुस्तान छोड़ के जाऊँ। अब हमें कहाँ भेजोगे कहाँ, वो तो बताइए आप। क्या आपको ऐसे लगता है तो अभी जो सिचुएशन चल रही काफ़ी 5-6 साल में जो दौर आया, उसमें आपको लगता है कि ये दो पक्ष में कुछ अलग सा भेदभाव हो गया है, जिसमें आप मतलब अपने कुछ फ्रेंड जो मोमेडन है आपके मुसलमान भाई, उसमें से कुछ हिंदू आया था, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे जो हिंदू दोस्त वो आज भी हमसे उतनी मोहब्बत करते हैं, हमारे साथ खड़े हैं ना, लोग खड़े पॉलिटिक्स से, पॉलिटिक्स तो डिवाइडर लोग जो अंग्रेजों ने किया था, ये इसी तरह की राजनीति कर रहे हैं। वैसे जैसे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता है, उनके वजह से देश में काफी नहीं मानता मैं। ओवैसी साहब जो है संविधान में ही दायरे में रह के बात करते, आप उनका आज संविधानिक कोई मुझे बता दीजिए, मैं आपको बोल दूंगा, वो तो संविधान में बात करते, उन्होंने बिल का विरोध किया, ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को वायलेशन किया इसलिए विरोध किया, वो तो संविधान में रह के बात करते, कोई भी ऐसी गलत बात कितनी उन्होंने आज तक की नहीं है, वो बैरिस्टर है, वो लंदन से पढ़े हुए, वो काफ़ी नॉलेज है उनको, वो गलत बात नहीं करते। हाँ संघ की बात करता हूँ, ये संघ का ही खेल है, हिंदुस्तान को डिवाइड एंड रूल करना और हिंदू राष्ट्र बनाना उनका ये खेल है, ये गलत है। आप संविधान के अंदर सेकुलर लिखा है तो हम सेकुलर के नाम पर लड़ते रहेंगे।